हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम बात करेंगे किंग ऑफ बॉलीवुड वन एंड ओनली शाहरुख खान की जर्नी के बारे में। कैसे 1989 में डीडी नेशनल के 13 एपिसोड्स के एक शो फौजी से अपना टेलीविजन डेब्यू करने वाले एसआरके आज पूरी दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल कर चुके हैं, कितने लोग टॉम क्रूज को भी नहीं जानते जितने पूरे वर्ल्ड में शाहरुख खान को जानते हैं। एवोल्यूशन ऑफ किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, ईयर 1989, फौजी। गाइस, इस टीवी सीरीज को इंडियन आर्मी में कर्नल रह चुके राज भारती जी ने डायरेक्ट किया था। मैं पापा को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम तो पिछले 5 साल से फौज में हो। इस शो के 13 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए थे जिसमें एसआरके ने लीड रोल प्ले किया। हाँ, मैं तो बहुत बीमार हूँ, जख्मी हूँ, मैं मर रहा हूँ, बचने की कोई उम्मीद नहीं। प्लीज गेट आउट। गुजरात के डांस पर जरूर आना प्लीज, क्योंकि अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और उस दौरान एसआरके सिर्फ 23 साल के थे। इस शो का पहला एपिसोड 18 जनवरी 1989 को टेलीकास्ट किया गया था। बस वापस आ गए। यस इसके बाद एसआर के डायरेक्टर लेक टंडन के टीवी शो दिल दरिया में नजर आए। दरअसल ये शो फौजी से पहले आने वाला था बट प्रोडक्शन डिलेज की वजह से पोस्टपोन हो गया। सादाने का जी ये कपड़ा, अजय कोई नहीं बेचेगा सादाने का ये कपड़ा जी, मेरी अपने घर की खरीद, इसके सवा सादाने का है। अगर आपको मैंने ये सादाने का बेचा तो मुझे तो रोटी गुरुद्वारे जाकर ही खानी पड़ेगी जी, तो वहाँ कौन कोई मना करेगा। फिर एसआरके ने एक और टीवी सीरीज उम्मीद में बैंकर का रोल प्ले किया और इस शो का ये सीन देखकर टीवीएफ के पंचायत की याद आ जाती है। हाँ, यहाँ के बैंक का नया ब्रांच मैनेजर। मैं भूरे खान, आपका पीएन वगैरह वगैरह। लाइए सामान मुझे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। अंकल बैंक कहाँ है? आप बहुत थके हुए दिखते हैं, जरा हाथ मुंह धो लीजिए। नहीं, वो बाद में। बैंक कहाँ है? बैंक ये। इसके बाद एसआरके ने एक टेलीविजन शॉर्ट फिल्म महान कर्ज में भी काम किया। सेवा करने का सौभाग्य पाना चाहता हूँ। नहीं, कसूर तो मुझसे ही हुआ होगा जो अपने दोस्तों के लिए वक्त नहीं निकाल सका। लेकिन भाई अच्छा क्या कि तुम लोग यहीं पर आ गए, आज शाम ही को महफिल जमेगी। फिर वागले की दुनिया नाम के एक सिटकॉम शो में एसआरके का एक एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस था। कहीं नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चोट नहीं लगेंगे, इज नॉट एट ऑल, चलो ऑन, मूव इट नाउ, मूव इट, मूव इट, नॉनसेंस, डोंट नॉनसेंस। क्या बात है यार, भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं होगा। देखिए, इस छोकरे ने अपनी गाड़ी से भाई साहब को टक्कर मार दी। नो नो, आई एम ऑल राइट। हे, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक गाइस, दीस पीपल आर, आस्क हिम, इनसे पूछिए ना, इन्हें कुछ हुआ है क्या, कोई चोट लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ? इसके बाद एसआरके ने डीडी नेशनल के एक और पॉपुलर शो सर्कस में भी काम किया। इस शो के 19 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए थे। बदबू है यहाँ पर चेची, और मच्छर, और फिर रात को यहाँ पे जो तरह तरह की आवाजें आती रहती हैं, उधर से वो हाथी पुकारता है, यहाँ पे जो है घोड़े अपना गला साफ कर रहे हैं, और इधर पीछे शेर डकार रहे हैं, और कभी कभी तो सब मिलकर ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं। फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज टेलीविजन फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में एसआरके ने एक होमोसेक्सुअल कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले किया। इस फिल्म में एसआरके के साथ मनोज बाजपेयी भी नजर आए। इसके बाद शाहरुख ने लेक टंडन के एक और टीवी शो दूसरा केवल में भी लीड रोल प्ले किया। फिर 1991 में एक टेलीविजन फिल्म इडियट में एसआरके ने लीड रोल प्ले किया। तो ये सच है, सब खत्म हो गया, तुम यहां पर और उसी कमीज में? ये घुड़साल नहीं है, मेरी माँ और बहन भी मौजूद हैं। हम सब देख रहे हैं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ही है। कोई पहले ये बताएगा कि ये सबसे बताना होगा। क्या तुमने पवन रघुजन का नाम नहीं सुना? अपने टेलीविजन करियर में एसआरके काफी अच्छा काम कर रहे थे। इवन क्रिटिक्स भी उनके लुक्स और एक्टिंग को उन दिनों एक्टर दिलीप कुमार से कंपेयर करने लगे थे। बट शाहरुख को लगता था कि वो भी फिल्म्स में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अप्रैल 1991 में उनकी मदर के डिमाइस के बाद अपने लॉस और पेन को एस्केप करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड में फुल टाइम काम करने का डिसीजन लिया और दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। और अपने डेब्यू ईयर में ही 4 फिल्में साइन करके 1992 में आई एसआरके की पहली बॉलीवुड फिल्म दीवाना। इस फिल्म में एसआरके ने दिव्या भारती और ऋषि कपूर के साथ काम किया।
गाइज कैन यू इमेजिन, ये SRK की पहली फिल्म है और उनकी परफॉर्मेंस देखो, देख के ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड में पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट अपनी इस पहली मूवी के लिए शाहरुख खान को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग एन अवार्ड, अ मेजर अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री एंड शी स्टिल नॉट हियर, सो दिस वन गोज आउट टू हर, दिस वन फॉर यू मॉम, थैंक यू वेरी मच। SRK ने एक मैगजीन के इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उन्हें अपनी पहली फिल्म में काम करने के लिए 4 लाख रुपए दिए गए थे, अप्रॉक्सिमेटली 18 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके SRK की पहली फिल्म सुपर हिट हो गई। इसके बाद आई SRK की फैंटेसी कॉमेडी फिल्म चमत्कार, जिसमें उन्होंने नसीरुद्दीन शाह और उर्मिला के साथ काम किया। 2.06 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 3.90 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। हाँ, लड़कियों के इन्हें गुंडे मवाले से नहीं लगना चाहिए। फिर आई SRK की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन, जिसमें उन्होंने जूही चावला, नाना पाटेकर और अमृता सिंह के साथ काम किया। और इस मूवी का ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ। इवन ये मूवी कमर्शियली भी सक्सेसफुल रही थी। फिर उसी साल SRK और दिव्या भारती की फिल्म दिल आशना है रिलीज हुई, जिसे हेमा मालिनी ने डायरेक्ट किया था और एज ए डायरेक्टर ये हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी। अनफॉर्चुनेटली 1.60 करोड़ में बनी ये फिल्म 1 करोड़ की कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। ईयर 1993 में आई SRK की एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म माया मेम साहब, जिसमें उन्होंने दीपा साही के साथ काम किया। इस फिल्म में दीपा साही का SRK के साथ एक न्यूड सीन भी था, जिसे मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। मूवी अच्छी थी बट 1.85 करोड़ की कलेक्शन करके कमर्शियली फ्लॉप रही। फिर आई दीपक तिजोरी की लीड फिल्म पहला नशा में SRK का आमिर सैफ, राहुल रॉय और सुदेश बेरी के साथ एक कैमियो अपीयरेंस था। तुमने तो चमत्कार कर दिया जेंटलमैन, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। क्या बात है, क्या बात है, लेकिन 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 जो जीता भाई सिकंदर। इसके बाद ही SRK की एक्शन कॉमेडी फिल्म किंग अंकल, जिसे राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था, 3 करोड़ में बनी ये फिल्म 2 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। फिर आई SRK की सुपर हिट फिल्म बाजीगर। इस फिल्म में SRK के साथ लीड रोल्स में थी काजोल और शिल्पा शेट्टी, जिसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में एक मेनस्ट्रीम हीरो के अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर करने के ये सीन को देखकर ऑडियंस एकदम शॉक्ड हो गई थी। मुझे माफ कर देना। ये एक टिपिकल रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म से थोड़ी हटकर थी। और हाँ मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जरूरत मत करना। इवन इस फिल्म में SRK का एंटी हीरो अपीयरेंस लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें अपना पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये काली काली आंखें, 4 करोड़ में बनी ये फिल्म 32 करोड़ की कलेक्शन करके सुपर हिट रही। देखा जो तुझे जानम। ये फिल्म 1991 में आई अमेरिकन फिल्म ए किस बिफोर डाइंग पे बेस्ड है। और अपने इस नेगेटिव रोल को SRK ने कंटिन्यू रखा अपनी अगली फिल्म डर में। इस फिल्म में उन्होंने सनी देओल और जूही चावला के साथ काम किया, जिसे डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा जी ने। और SRK की यश राज बैनर के साथ ये पहली फिल्म थी जो ब्लॉकबस्टर हिट रही। 3.25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 21.3 करोड़ की कलेक्शन की। इस फिल्म में SRK की एक्टिंग, भाई साहब सच में डर का माहौल बना दिया था इस फिल्म में। और खासकर फिल्म का ये पॉपुलर डायलॉग, आई लव यू किरण। फिर 1994 में आई SRK की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कभी हाँ कभी ना में SRK की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तू आना से प्यार करता है? काश के हम होश में अब। 1.4 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 5.5 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अंजाम में SRK ने फिर से नेगेटिव रोल प्ले किया। उन दिनों मेनस्ट्रीम सिनेमा में लीड एक्टर का नेगेटिव रोल प्ले करना काफी रिस्की माना जाता था, बट SRK अपनी परफॉर्मेंस से नेगेटिव रोल में भी ऑडियंस का दिल जीत लेते थे।
इस फिल्म के लिए SRK को बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, जिसने 2.65 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 9.66 करोड़ की कलेक्शन की थी। ईयर 1995, इस साल SRK की 7 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी करण अर्जुन। सलमान खान, काजोल और ममता कुलकर्णी के साथ आई इस फैंटेसी एक्शन फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया। 6 करोड़ में बनी ये फिल्म 43.63 करोड़ की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही। मेरे करण अर्जुन आएंगे? बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे। फिर आई रवीना टंडन के साथ SRK की एक्शन कॉमेडी फिल्म जमाना दीवाना। 4 करोड़ में बनकर 10 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद मनीषा कोइराला और दीप्ति नवल के साथ आई फिल्म गुड्डू भी फ्लॉप हो गई। 2 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4.48 करोड़ की कलेक्शन की। आपको बताए बिना स्कॉट में आया और डैडी को नाराज किया। इसके बाद SRK की म्यूजिकल पैरोडी फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया 2.25 करोड़ में बनकर 3.21 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। बड़ी बड़ी उम्मीदें, बड़े बड़े सपने, सोचा था फिल्मों में काम करूंगा, लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े हीरोइनों के साथ छोटे छोटे लफड़े। फिर आई SRK की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सीरियसली इस फिल्म के बारे में अगर अच्छे से बात करनी हो तो एक अलग वीडियो बनती है। काजोल के साथ आई इस म्यूजिकल रोमांस फिल्म को यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और एज ए डायरेक्टर ये आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म थी। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। इवन इसी फिल्म ने शाहरुख खान को एक रोमांटिक हीरो की पहचान दी थी। 40 करोड़ में बनी ये फिल्म 200 करोड़ की कलेक्शन करके 1995 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी और हिस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन फिल्म बनी। इस फिल्म ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जो उस टाइम एक सिंगल मूवी को मिले मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स थे। इवन इस फिल्म ने लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन फिल्म का रिकॉर्ड भी बनाया, जिसने 2014 में अपने 1000 वीक्स भी पूरे किए। जब ये मूवी आई थी तब मैं सिर्फ 1 साल का था। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। इसके बाद आई SRK की जूही चावला के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म राम जाने। 3.75 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 15.19 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया। राम जाने, राम जाने। फिर आई SRK की मल्टी स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म त्रिमूर्ति फ्लॉप हो गई। 11 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने 15.56 करोड़ की कलेक्शन की। मुझको दर्द दिल की दवा चाहिए। ईयर 1996, ये साल शाहरुख खान के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस साल SRK की 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों फ्लॉप रही। इंग्लिश बाबू देसी मेम एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें उन्होंने सोनाली बेंद्रे के साथ काम किया। 3.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 6.89 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद एक फिल्म चाहत में उन्होंने पूजा भट्ट के साथ काम किया, जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। 10 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 12 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन की थी। फिर आई श्रीदेवी की फिल्म आर्मी में SRK का एक स्पेशल अपीयरेंस था। इसके बाद ये दुश्मन दुनिया का में भी शाहरुख खान और सलमान खान का एक कैमियो अपीयरेंस था। अयो तो ये मियां भाभी हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाता है, मैं अभी जाको बिस्मिल्लाह बोल को अपनी रिक्शा को हलाल करके आता हूँ। फिर ईयर 1997 में आई कॉमेडी फिल्म गुदगुदी में भी SRK का एक स्पेशल अपीयरेंस था। मैं भी हिंदुस्तान के उन लाखों नौजवानों की तरह हूँ जिन्हें ये स्वप्न नगरी चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच गई। इसके बाद ही एक्शन थ्रिलर फिल्म कोयला में SRK ने माधुरी दीक्षित और अमरीश पुरी के साथ काम किया। इस फिल्म से रिलेटेड मुझे बचपन के कुछ विजुअल्स याद हैं। जब मैं अपनी नानी के घर था और उन्होंने VCR में ये मूवी प्ले की थी तब मैं शायद 3 या 4 साल का था। 12 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 28 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की थी। फिर आई यस बॉस एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें SRK के साथ जूही चावला और आदित्य पंचोली नजर आए। 5 करोड़ में बनी ये फिल्म 23 करोड़ की कलेक्शन करके हिट हो गई। इसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। इसके बाद आई SRK की फिल्म परदेस महिमा चौधरी और अपूर्वा अग्निहोत्री की डेब्यू फिल्म थी। 10 करोड़ में बनी ये फिल्म 40 करोड़ की कलेक्शन करके हिट हो गई। कुछ बातें हो जाए तो अच्छा नहीं है,
तो कीजिए ना। नहीं भी उस खेत में। बुआ क्या है, मैं राजीव के साथ खेतों में जाऊं? खेतों में? अरे बेशरम, हमसे काहे पूछ रही, अपनी माँ से पूछना। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। और मूवी का ये सॉन्ग मैं अपने स्कूल फंक्शंस में कई बार सुन चुका हूँ। फिर आई SRK की सुपर हिट फिल्म दिल तो पागल है, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, जिसे यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। और जब SRK और यश चोपड़ा साथ में काम करते हैं तब एक मूवी नहीं बल्कि मास्टरपीस बनके तैयार होता है। हाय डोलना, ओ डोलना। ये एक म्यूजिकल रोमांस फिल्म थी जिसमें SRK के साथ माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार ने काम किया। इवन इस फिल्म में शाहिद कपूर ने एज ए बैकग्राउंड डांसर भी काम किया था। शाहिद कपूर का एवोल्यूशन भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर चेकआउट करना। 9 करोड़ में बनी दिल तो पागल है ने 59.8 करोड़ की कलेक्शन की। इनफैक्ट इस फिल्म का म्यूजिक भी सुपरहिट रहा। मौसम बेईमान, कहां चले हम तुम। फिर ईयर 1998 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म डुप्लीकेट में SRK ने डबल रोल प्ले किया। बेबे तू सिगरेट पी रही है? धर्मा प्रोडक्शंस के साथ आई SRK की ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने जूही चावला और सोनाली बेंद्रे के साथ काम किया। मेरे महबूब, मेरे सनम, शुक्रिया। 9.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 21.49 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की थी। इसके बाद गोविंदा और मनीषा कोइराला की फिल्म अचानक में SRK का एक कैमियो अपीयरेंस था। रेडी, अब शॉट कैसे होगा? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी शूटिंग्स में छोटे छोटे ग्लास टूटते ही रहते हैं, फिकर मत करो, हमारी पिक्चर सुपर हिट है। फिर आई मणि रत्नम की डायरेक्ट की हुई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म दिल से। इस फिल्म की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। SRK की करियर की मोस्ट अंडररेटेड फिल्म 11 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 28 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप तो हुई, बट गाइस बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट पे मत जाना, मूवी इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। इवन इस मूवी का म्यूजिक AR रहमान ने सच में पूरे दिल से ही बनाया है। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया। खासकर मूवी का ये आइकॉनिक सॉन्ग जो आज भी रिफ्रेशिंग लगता है। छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया। इस फिल्म से प्रीति जिंटा ने अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया था। इसके बाद ही SRK की फिल्म कुछ कुछ होता है सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस है जिसे आपने चाहे जितनी बार मर्जी देखा हो, फिर भी अगर आप इस फिल्म को देखना शुरू कर दो तो आप ऐसे हिप्नोटाइज हो जाओगे और पूरी फिल्म ऐसे देख लोगे जैसे कभी देखी ही नहीं थी। ये फिल्म एज ए डायरेक्टर करण जौहर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख और काजोल की ऑन स्क्रीन पॉपुलर जोड़ी के साथ रानी मुखर्जी, सलमान खान और सना सईद ने भी काम किया। लड़की बड़ी अनजानी है। 10 करोड़ में बनी ये फिल्म 107 करोड़ की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही। इवन इस फिल्म ने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते जिनमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के 4 मेजर अवार्ड भी इस फिल्म ने ही अपने नाम किए। इसके बाद ईयर 1999 में SRK की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई, बादशाह। आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं। इस फिल्म में उन्होंने एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के साथ काम किया। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कर। अब क्योंकि ये फिल्म भी बाजी करके डायरेक्टर अब्बास मस्तान डायरेक्ट कर रहे थे तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये भी क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी, बट ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसने 11 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 31.6 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया। लेकिन इस फिल्म से मिला शाहरुख खान को उनका किंग ऑफ बॉलीवुड यानी बॉलीवुड के बादशाह का टाइटल। इवन 1999 में शाहरुख ने जूही चावला और डायरेक्टर अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम से खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की जिसे आज हम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से जानते हैं। फिर ईयर 2000 में खुद की प्रोडक्शन कंपनी से SRK और जूही चावला की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी रिलीज हुई।
जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। 13 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 24.46 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप तो हुई, बट मूवी से ज्यादा डिजर्व करती थी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मूवी के बहुत से सीन्स को हम आज के इंडिया से रिलेट कर सकते हैं। इस दंगे फसाद को मजहबी रंग दे दो और डाल लो इल्जाम इस साले धुआं पर। इसके बाद ही तमिल और हिंदी में बनी कमल हासन की पीरियड क्राइम ड्रामा फिल्म हे राम, जिसमें एसआरके ने सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किया और अपना तमिल फिल्म डेब्यू भी। इवन इस फिल्म के लिए एसआरके ने कोई भी फीस चार्ज नहीं की, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कमल हासन। मैंने पहले उस दरिंदे को कभी नहीं देखा, मैं सिर्फ राम को जानता। फिर आई एसआरके की रोमांटिक एक्शन फिल्म जोश। याद है उस दिन मैं क्या बोला था कि मैदान का ये बाजू अपन लोग का और वो बाजू का टुकड़ा तुम लोग का। अभी वहीं पर जीने का, वहीं पर मरने का, वहीं का घर बिल्डिंग खाली कराने का, नहीं तो पांव तोड़ के तेरा हाथ में दे देंगे। इस फिल्म में शाहरुख का अलग ही लुक देखने को मिला। इवन इस वीडियो के स्क्रिप्ट लिखते लिखते मुझे याद आया कि हम भी ऐसे ही स्कूल में अपनी अपनी बिच्छू गैंग और ईगल गैंग बना चुके हैं। साला क्लास में पेंसिल से पेन पे क्या शिफ्ट हुए, खुद को इतना बड़ा समझने लगे कि गैंग ही बना डाला। इस मूवी के म्यूजिक के लिए पहले एआर रहमान को साइन किया गया था, बट क्योंकि वो बाकी के प्रोजेक्ट्स में बिजी थे इसलिए ये काम अनु मलिक को दिया गया। फिल्म के सभी सॉन्ग्स बहुत सही हैं, खासकर ये वाला। हम भी है जोश में, बातें कर होश में। इस सॉन्ग का स्वैग ही अलग है। इस सॉन्ग को सुन के बिना बात के लड़ाई करने का मन करता है, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड करती है। 16 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 34.06 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। फिर उसी साल आई सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा में शाहरुख खान का एक स्पेशल अपीयरेंस था। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। फिर आई एसआरके की मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म मोहब्बतें, जिसे डीडीएलजे के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। आंखें खुली हो या हो बंद, और भाई सच में दिल से बोल रहा हूँ, ये फिल्म एक इमोशन है, क्योंकि इस फिल्म से मेरी बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हैं। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये क्या। इस फिल्म को देखने के बाद ही मुझे समझ में आया कि क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स साथ में क्यों नहीं बैठते। क्यों जब भी मैं क्लास में सुनैना के साथ बैठता था तो मैं मुझे उठा के उस चुटी रविंदर के साथ बिठा देती थी। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, मर भी जाए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई और इसके बाद दोनों एक्टर्स ने कई बड़ी फिल्म्स में साथ में काम किया। पैरों में बंधन है। 13 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 90 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। इसके बाद आई माधुरी दीक्षित की सोलो लीड फिल्म गजगामिनी में एसआरके का एक स्पेशल अपीयरेंस था। ईयर 2001 में एसआरके की 3 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी 1, 2 का 4। जूही चावला और जैकी श्रॉफ के साथ आई ये एक्शन ड्रामा फिल्म 12 करोड़ में बनकर 13.82 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई, बट इसका म्यूजिक एआर रहमान ने दिया था तो कुछ सॉन्ग्स काफी अच्छे थे। इसके बाद आई एसआरके की प्रोडक्शन कंपनी से हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म अशोका। एसआरके की ये फिल्म 13 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 24.52 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई एसआरके की मल्टी स्टारर फैमिली ड्रामा फिल्म कभी खुशी कभी गम, जिसके राइटर और डायरेक्टर रहे करण जौहर। मेरे आने से पहले तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, काजोल, करीना कपूर और रानी मुखर्जी के साथ आई एसआरके की ये फिल्म 40 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 135 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। इनफैक्ट मूवी का म्यूजिक भी सुपरहिट रहा, जैसे काजोल और एसआरके का ये सॉन्ग। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। फिर ईयर 2002 में आई सलमान खान और माधुरी दीक्षित के साथ एसआरके की हम तुम्हारे हैं सनम। 12 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 34.76 करोड़ का एवरेज बिजनेस किया। एक बात बताओ सूरज, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। इसके बाद आई संजय लीला भंसाली की पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म देवदास। कौन कम बख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके। कसम से फीमेल कैरेक्टर को किसी फिल्म में पोर्ट्रे करना हो तो कोई भंसाली सर से सीखे। नो डाउट माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय अपने आप में बहुत बड़ी स्टार्स हैं, बट जिस तरह से संजय लीला भंसाली ने उनके कैरेक्टर्स को फिल्म में अपनी डायरेक्शन के थ्रू दिखाया है, गूज बम्स आ जाते हैं देख के।
एसआरके ने तो जैसे देवदास के कैरेक्टर को जी ही लिया है इस फिल्म में। आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात के अटल। वन ऑफ द बेस्ट और इंटेंस परफॉर्मेंसेज आपको एसआरके की इस फिल्म में देखने को मिलती है। और फिल्म का म्यूजिक तो एक अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। 50 करोड़ के बजट में बनी देवदास 168 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। फिर आई करिश्मा कपूर और नाना पाटेकर की फिल्म शक्ति द पावर में एक एक्शन सीक्वेंस शूट करते हुए एसआरके को स्पाइनल इंजरी हो गई थी, जिस वजह से लंदन के वेलिंगटन हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद उन्होंने अपना वर्कलोड कम किया और एनुअली साइन करने वाली फिल्म के नंबर को भी थोड़ा रिड्यूस किया। 10 करोड़ में बनी ये फिल्म 20.36 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई, बट मूवी का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा जिसमें पारो और देवदास अल्टरनेट यूनिवर्स में खुश हैं और ठुमका लगा रहे हैं। कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। इसके बाद ही विवेक ओबरॉय और रानी मुखर्जी की फिल्म साथिया में एसआरके का एक कैमियो अपीयरेंस था। इवन 2002 में जगजीत सिंह के एक म्यूजिक वीडियो क्या खोया में भी एसआरके नजर आए, जिसके लिरिक्स अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखे थे। फिर ईयर 2003 में आई एसआरके की प्रोडक्शन बैनर से बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म चलते चलते। रानी मुखर्जी के साथ आई एसआरके की ये फिल्म हिट रही, जिसने 11 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 43.38 करोड़ की कलेक्शन की। फिर उसी साल आई धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कल होना हो, जिसमें एसआरके ने सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। इस फिल्म में एसआरके की परफॉर्मेंस ने ऑडियंस पे काफी इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ा। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई होगा जो कल होना हो देख के रोया ना हो। 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म 30 करोड़ में बनकर 86 करोड़ की कलेक्शन करके हिट हो गई। इसके बाद ईयर 2004 में आई एसआरके की रवीना टंडन के साथ रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म ये लम्हे जुदाई के फ्लॉप हो गई। फिर उसी साल रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और फराह खान की डायरेक्ट की हुई पहली फिल्म मैं हूं ना रिलीज हुई। ये फिल्म हम 90s के बच्चों के लिए किसी सुपर हीरो मूवी से कम नहीं थी। कैसे एसआरके और सुनील शेट्टी के उड़ उड़ के फाइट करने वाले सीन्स को देखकर मैं और मेरा कजन स्लो मोशन में फाइट करते थे। इवन इस मूवी को देख के मैंने भी फैंटेसाइज करना शुरू कर दिया था कि कब कोई स्कूल पे अटैक करेगा और मैं टीचर्स की हेल्प से सभी बच्चों को बचाऊंगा और मेरी क्रश मेरे फाइटिंग स्किल्स को देख के इम्प्रेस होकर मेरे प्यार में डूब जाएगी। ये एक परफेक्ट मसाला फिल्म थी जिसमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, थ्रिल, म्यूजिक सब कुछ देखने को मिला। 15 करोड़ में बनी मैं हूं ना 89.7 करोड़ की कलेक्शन करके 2004 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। इवन उस साल की फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी एसआरके ने ही अपने नाम की, जब डायरेक्टर यश चोपड़ा जी और शाहरुख खान का मैजिकल कॉम्बो वापस आया रोमांटिक ड्रामा फिल्म वीर ज़ारा लेकर। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट जैसी एपिक लव स्टोरीज की लिस्ट में अपना अलग टाइटल डिजर्व करती है एसआरके और प्रीति जिंटा की वीर ज़ारा। धरती सुनहरी अंबर नीला। इंडियंस तो छोड़ो, फॉरेनर्स तक को रुला चुकी है ये फिल्म। वीर प्रताप सिंह का रोल करते हुए एसआरके को जब फॉल्स केस में आप सजा काटते हुए देखते हो तो ऐसी घुटन महसूस होती है मानो हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। चाहत के दिए। ऊपर से लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ का ये सॉन्ग, कसम से मेरी औकात नहीं है मैं इस पे अपना कोई ओपिनियन दूं। 18 करोड़ में बनी ये मास्टरपीस 97.6 करोड़ की कलेक्शन करके सुपर हिट रही। फिर आई एसआरके के करियर की सबसे अंडररेटेड फिल्म स्वदेश। ये जो देश है तेरा। इस फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे आशुतोष ग्वारीकर, जिसका म्यूजिक ए आर रहमान और लिरिक्स जावेद अख्तर ने दिए थे। इवन इस सॉन्ग के लिए उदित नारायण जी को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। ये तारा वो तारा हर तारा। अनफॉर्चुनेटली 25 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 40 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई, बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर मत जाना। अगर ये फिल्म नहीं देखी तो एक बार ये मूवी जरूर देखना, आपको फील होगा कि आपने इस मास्टरपीस को मिस कैसे कर दिया। फिर ईयर 2005 में आई अरशद वारसी और महिमा चौधरी की फिल्म कुछ मीठा हो जाए में एसआरके का एक स्पेशल अपीयरेंस था। हाँ पापा, शाहरुख, असली में शाहरुख खान। इसके बाद आई सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म काल के टाइटल सॉन्ग में एसआरके का मलाइका अरोड़ा के साथ एक स्पेशल अपीयरेंस था। इस काल काल में हम तुम करे धमा।
टू बी ऑनेस्ट, मूवी से ज्यादा इस फिल्म का ये सॉन्ग चला था। इस फिल्म को करण जौहर और शाहरुख खान ने मिलकर प्रोड्यूस किया था, जिसने 13 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 33.11 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की थी। इसके बाद एक फिल्म सिलसिले में भी एसआरके का स्पेशल अपीयरेंस था। फिर उसी साल रिलीज हुई एसआरके और रानी मुखर्जी की फैंटेसी फिल्म पहेली। गाइस ट्रस्ट मी, ट्रेलर देखकर आप फिल्म को जज नहीं कर सकते कि ये मूवी कितनी ऑसम है। नेटफ्लिक्स पे आपको एसआरके की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म मिल जाएगी, एक बार जरूर देखना। अनफॉर्चुनेटली 14 करोड़ में बनी ये फिल्म 32 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई थी। फिर ईयर 2006 में आई अक्षय कपूर और दिया मिर्जा की साइंस फिक्शन फिल्म अलग के एक सॉन्ग में एसआरके का स्पेशल अपीयरेंस था। इसके बाद आई धर्मा प्रोडक्शन की मल्टी स्टार फिल्म कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना। 50 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 113 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर आई एसआरके की एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन। इस फिल्म को फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था और ये 1978 में आई अमिताभ बच्चन की डॉन का ऑफिशियल रीबूट है। आया हूं लेकर मैं। इस फिल्म में एसआरके फिर से एंटी हीरो रोल में नजर आए और जब भी एसआरके नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उनका अलग ही जोन देखने को मिलता है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, ईशा कोप्पिकर और बोमन ईरानी जैसे कई एक्टर्स नजर आए और भाई करीना और एसआरके का ये सॉन्ग, इसे कहते हैं रीमेक। सुनिधि चौहान और करीना कपूर ने फुल जस्टिस की है सॉन्ग के ओल्ड वर्जन के साथ। 38 करोड़ में बनी ये फिल्म 106 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। इसके बाद आई अर्जुन रामपाल की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई सी यू के इंट्रो सॉन्ग सुबह सुबह में एसआरके का स्पेशल अपीयरेंस था। फिर ईयर 2007 में आई यशराज फिल्म्स बैनर के अंडर बनी स्पोर्ट्स फिल्म चक दे इंडिया। तुम यहाँ किस लिए वापस आए हो? इस टीम को वर्ल्ड कप दिलाना, जो कभी हो नहीं सकता, वही तो करना। इस फिल्म में शाहरुख खान इंडियन मेंस नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन का रोल प्ले करते हैं, जिसे पाकिस्तानी टीम से हारने के बाद लोग गद्दार कहने लगते हैं और इवेंचुअली रिलीजियस प्रेजुडिस के चलते उसके अपने ही देश के लोग उससे नफरत करने लगते हैं। ये मूवी 2007 में आई थी, बट आज 15 साल बाद भी ये सब हम रियल लाइफ में मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह के साथ होता हुआ देख चुके हैं। पिछले कुछ सालों से मीडिया और पॉलिटिशियंस की मेहरबानी से लोग कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक हो गए हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खोले। खैर इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग आज सिर्फ एक फिल्म का सॉन्ग ही नहीं बल्कि इंडियन स्पोर्ट्स एंथम बन चुका है, जिसे कई स्पोर्टिंग इवेंट्स पे इंडिया के लिए प्ले किया जाता है। 20 करोड़ में बनी ये फिल्म 109 करोड़ की कलेक्शन करके सुपर हिट रही थी। इसके बाद एक कॉमेडी फिल्म हे बेबी के एक सॉन्ग मस्त कलंदर में एसआरके का स्पेशल अपीयरेंस था। फिर आई फराह खान की डायरेक्ट की हुई मसाला फिल्म ओम शांति ओम और इस फिल्म से मिली बॉलीवुड को वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ऐसी रात है जो सीरियसली बिलीव ही नहीं होता कि ये दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म थी। इनफैक्ट अर्जुन रामपाल की भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। फराह खान ने इस फिल्म के थ्रू बॉलीवुड को जो दिया वो हमेशा याद रखा जाएगा, जैसे फिल्म का ये सॉन्ग। 31 एक्टर्स के कैमियो अपीयरेंसेस थे सॉन्ग में, जिसे एसआरके के साथ देखकर उनकी मूवीज के फ्लैशबैक याद आ जाते हैं। इवन इसमें अरबाज और मलाइका भी साथ में आए थे। सच में जब 9XM पे ये सॉन्ग आया करता था, कभी सोचा नहीं था कि किसी YouTube वीडियो के लिए इसके बारे में मैं बात करूंगा। यही नहीं, इस मूवी के बाकी सॉन्ग भी चार्ट बस्टर हिट रहे। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर। पहले इस मूवी के म्यूजिक के लिए AR रहमान सर को साइन किया गया था, बट ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग कॉर्पोरेट थिंग विद टी सीरीज रहमान सर ऑप्टेड आउट एंड देन फिल्म का म्यूजिक विशाल एंड शेखर ने कंपोज किया। 35 करोड़ में बनी ये फिल्म 149 करोड़ की कलेक्शन करके सुपर हिट रही। इवन 2007 में एसआरके ने कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 3 को होस्ट भी किया था। मनोज पांडे साहब जबलपुर से रिस्क लेना चाहते हैं, एक बार सबके लिए बता दूं कि ये 25 लाख रुपए पर खेल रहे हैं। फिर ईयर 2008 में आई फिल्म क्रेजी 4 के एक सॉन्ग ब्रेक फ्री में एसआरके का स्पेशल अपीयरेंस था। इसके बाद है अमिताभ बच्चन और जूही चावला की सुपर नेचुरल कॉमेडी फिल्म भूतनाथ में भी एसआरके का एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस था। आप नाथ साहब का रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं, हमने वो बंगला किराए पे लिया।
अरे तो दूसरा बंगला में जाओ ना, काय को मुसीबत मोल लेता है साहब। इसके बाद आदित्य चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई तीसरी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी रिलीज हुई, जिसमें अनुष्का शर्मा ने अपना डेब्यू किया। 22.67 करोड़ में बनी ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 187 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। रब दिखता है यारा मैं क्या कर। फिर उसी साल एसआर के ने एक टीवी शो क्या पांचवी पास से तेज हैं होस्ट किया। इसके बाद ईयर 2009 में आई फरहान अख्तर की ड्रामा फिल्म लक बाय चांस में एसआर के का एक स्पेशल अपीयरेंस था। विक्रम स्टारडम एक कॉकटेल है, फेम पावर मनी। फिर उसी साल आए इरफान खान और लारा दत्ता के साथ एसआरके की कॉमेडी ड्रामा फिल्म बिल्लू, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था। प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई ये वन ऑफ द अंडररेटेड मूवी में से एक है, जिसके टाइटल को लेके एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब पहले इस मूवी का नाम बिल्लू बार्बर रखा गया था। सलून एंड ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ऑफ बैंड्रा को फिल्म के टाइटल में बार्बर वर्ड का यूज करने से ऑब्जेक्शन थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं किस एंगल से ये अपमानजनक लगा। फिर एसआरके ने इवेंचुअली प्रोडक्शन कंपनी के हेड होने के नाते फिल्म के टाइटल और प्रमोशन से बार्बर वर्ड को हटाकर फिल्म का नाम सिर्फ बिल्लू रखा। 26 करोड़ में बनी ये फिल्म 47.5 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद ये 2010 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दूल्हा मिल गया में एसआरके का स्पेशल अपीयरेंस था। फिर आई करण जौहर की डायरेक्ट की हुई एसआरके की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड सोशल ड्रामा फिल्म माई नेम इज खान। काजोल के साथ आई एसआरके की सिक्स फिल्म ने उन्हें बेस्ट एक्टर का 8वां फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और सलमान खान की दबंग के बाद उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। 9/11 के बाद यूएस में हो रहे इस्लामोफोबिक डिस्क्रिमिनेशन पर बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 193 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। फिर उसी साल रिलीज हुई शाहरुख बोला खूबसूरत है तू में एसआरके का एक स्पेशल अपीयरेंस था। खूबसूरत है तू। उसी साल फिर मिले सुर म्यूजिक वीडियो में भी एसआरके का स्पेशल अपीयरेंस था। सुर मेरा तुम्हारा। फिर ईयर 2011 में एसआरके के प्रोडक्शन बैनर में बनी अली फैजल की ऑलवेज कभी कभी के एक सॉन्ग में एसआरके ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। इसके बाद जायद खान और दिया मिर्जा की लव ब्रेकअप जिंदगी में एसआरके का एक कैमियो अपीयरेंस था। फिर आई एसआरके के करियर की उस वक्त की मोस्ट एक्सपेंसिव सुपर हीरो फिल्म रावण। मिक्स्ड क्रिटिकल रिव्यूज और नेगेटिव मीडिया कवरेज के बावजूद ये मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल रही। 130 करोड़ के ह्यूज बजट में बनी इस फिल्म ने 207 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इवन मूवी का VFX भी बहुत सही था, जिसे लोग आज भी 500 करोड़ में बनी फिल्म्स तक से कंपेयर करते हैं। इसके बाद एसआरके वापस आए अपना एंटी हीरो लुक लेकर फरहान अख्तर की एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन 2 द किंग इज बैक में। करोड़ में बनी इस फिल्म ने 203 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इवन 2011 में इमेजिन टीवी पे आए एक शो जोर का झटका टोटल वाइपआउट को भी एसआरके ने होस्ट किया। फिर साल 2012 में वीर जारा के 8 साल बाद डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने अपनी आखिरी फिल्म जब तक है जान के रिलीज के एक महीने बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस फिल्म के बारे में मैं डिटेल में यश चोपड़ा जी पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बात करूंगा। 50 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 211 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। इनफैक्ट एसआरके के करियर की ऑन स्क्रीन फर्स्ट किस भी उन्होंने इसी फिल्म में की थी। फिर ईयर 2013 में आई एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के एक सॉन्ग में एसआरके का स्पेशल अपीयरेंस था। सपनों की टकसाल है ये दुनिया बेमिसाल है। फिर ओम शांति ओम से फेमस दीपिका और एसआरके का पेयर हमें फिर से रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में देखने को मिला। छुट्टी मनाने निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी। इस फिल्म का नाम पहले रेडी स्टेडी पो रखा गया था। 70 करोड़ में बनी ये फिल्म 423 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही, जिसने थ्री इडियट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी। फिर 2014 में आई भूतनाथ रिटर्न्स में भी एसआरके ने अपना कैमियो अपीयरेंस दिया। फिर उसी साल एसआरके एक बार फिर दीपिका पादुकोण के साथ फराह खान की मल्टी स्टारर एक्शन कॉमेडी हाइस्ट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में नजर आए। ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की है। It was all about a handful of time. और सच बताऊं तो दीपिका को इस सॉन्ग में कितना भी देख लो मन नहीं भरता। इस फिल्म को जया बच्चन ने एक नॉन सेंसिकल फिल्म कहा था और ये भी बोला था कि सिर्फ अपने बेटे अभिषेक बच्चन के लिए उन्होंने इस फिल्म को देखा है। 150 करोड़ में बनी हैप्पी न्यू ईयर 408 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके सुपरहिट रही।
हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। फिर ईयर 2015 में काजोल और एसआरके की सुपरहिट जोड़ी वरुण और कृति के साथ रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी फिल्म दिलवाले में नजर आई। धोखा मेरे साथ हुआ है, जो करना है मैं ही करूंगा। 75 करोड़ में बनी ये फिल्म 376.85 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। इवन इस फिल्म में अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स भी काफी पॉपुलर रहे और इस ट्रैक पे करंटली 442 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। फिर उसी साल एन टीवी के इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन टीवी गेम शो को एसआरके ने होस्ट किया। फिर ईयर 2016 में आई एसआरके की एक्शन थ्रिलर फिल्म फैन, जिसे मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था, जो टाइगर 3 को भी डायरेक्टर रहे हैं। देखो आर्यन 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 लगता क्या है तू आर्यन खन्ना का फैन। 120 करोड़ में बनी एसआरके के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म 188 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। सीरियसली कभी कभी ऑडियंस का भी समझ में नहीं आता। मूवी में इररिलेवेंट आइटम सॉन्ग्स और इलॉजिकल मसालों को ट्रोल भी करेंगे और सबसे ज्यादा देखेंगे भी उसे। मैंने इतना कुछ किया आपके लिए और आप? तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन? तुम नहीं हो मेरे फैन। और जब एक एक्टर इन सबसे हटके एक एक्सपेरिमेंट फिल्म बनाता है विदाउट इवन ए लीड एक्ट्रेस, जो क्रिटिक्स को भी इतनी पसंद आती है, उसमें ऑडियंस का कोई इंटरेस्ट ही नहीं। खैर इन माय ओपिनियन ये मूवी एटलीस्ट टॉप 20 हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म्स की लिस्ट में होना डिजर्व करती है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना। गौरव है तो आर्यन है, गौरव नहीं तो आर्यन कुछ भी नहीं। इसके बाद आई करण जौहर की डायरेक्ट की हुई ए दिल है मुश्किल में एसआरके का कैमियो अपीयरेंस था। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। फिर आलिया भट्ट की सोलो लीड फिल्म डियर जिंदगी में भी एसआरके ने काम किया। ये फिल्म 46 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 136 करोड़ की कलेक्शन करके हिट हो गई। इस फिल्म में सनी लियोनी का आइटम सॉन्ग भी काफी पॉपुलर रहा, जिसपे करंटली अक्रॉस यूट्यूब 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। एक 125 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 350 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इसके बाद आई सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में एसआरके का एक कैमियो अपीयरेंस था। आज जो करिश्मा मैं आपको दिखाने वाला हूं वो जादू से कहीं बढ़कर तो सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है, नहीं। फिर अनुष्का शर्मा के साथ आई एसआरके की जब हैरी मेट सजल फ्लॉप हो गई। 90 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 153 करोड़ की कलेक्शन की। फिर ईयर 2018 में आई हाई बजट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जीरो, जिसमें शाहरुख अनुष्का और कैटरीना का ट्रायो जब तक है जान के बाद फिर से एक साथ नजर आया। हमारे जैसा ही क्यों चाहिए आपको? कवार पसंद है मुझे। पर जिंदगी काटनी किसे थी, हमें तो जीनी थी। अनफॉर्चुनेटली एसआरके की ये फिल्म भी फैन की तरह अंडर परफॉर्म कर गई। 200 करोड़ के ह्यूज बजट में बनी ये फिल्म 191.43 करोड़ के कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। बट मूवी के तीनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस की क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की। इवन सलमान खान का भी इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस था। फिर उसी साल ए आर रहमान के म्यूजिक वीडियो जय हिंद इंडिया में भी एसआरके नजर आए। फिर ईयर 2019 में मार्शमेलो के म्यूजिक वीडियो बीबा में भी एसआरके का स्पेशल अपीयरेंस था। मार्शमेलो नाम तो सुना होगा। फिर 2022 में आई आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट में भी एसआरके ने कैमियो अपीयरेंस दिया। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए। इसके बाद आई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में भी एसआरके ने कैमियो किया। अरे रुकेंगे, अच्छा कर रहे हो। फिर आयान मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में एसआरके ने अपना कैमियो अपीयरेंस दिया एज मोहन भार्गव। मैं मोहन, आप कौन? इस मूवी में शाहरुख के कैमियो अपीयरेंस ने ऑडियंस पे ऐसा इम्पैक्ट डाला कि आयान मुखर्जी इस कैरेक्टर पे बेस्ड एक अलग मूवी भी कंफर्म कर चुके हैं। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र का मोहन भार्गव, स्वदेश का मोहन भार्गव दोनों सेम कैरेक्टर हैं, ये भी डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है। इसका मतलब आयान मुखर्जी की अस्त्र वर्ष में हमें एसआरके की एक डेडिकेटेड फिल्म देखने को मिलेगी, ये तो कंफर्म्ड है। फिर ईयर 2023 में एसआरके यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फोर्थ फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ नजर आएंगे। इवन इस फिल्म में टाइगर के सलमान और वॉर के ऋतिक रोशन का क्रॉसओवर भी देखने को मिलेगा। ये मूवी 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। फिर 2023 में एसआरके की एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म जवान रिलीज होगी। ये फिल्म उन्हीं के प्रोडक्शन बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से गौरी खान प्रोड्यूस कर रही है। इस फिल्म में एसआरके, नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ ड्यूअल रोल में नजर आएंगे।
ये फिल्म होपफुली 2 जून 2023 को रिलीज होगी। इसके बाद सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में भी SRK और ऋतिक रोशन का इवेंचुअली सेम यूनिवर्स का पार्ट होने की वजह से क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। ये फिल्म 10 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। इतना ही नहीं, SRK और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी पहली बार साथ में काम करेंगे एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ अपकमिंग फिल्म डंकी में, जो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। मतलब साल 2023 SRK के फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और अगर डॉन 3 की बात करूं तो SRK और फरहान अख्तर दोनों डॉन 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करके डॉन 3 बनाना चाहते हैं, बट ये फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है और ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। बट फरहान अख्तर ने कहा था कि वो डॉन 2 के कैरेक्टर से काफी फैसिनेटेड हैं और इनफैक्ट वो खुद भी इस फिल्म में एक रोल प्ले करना चाहते हैं। होपफुली हमें डॉन 3 के रिगार्डिंग जल्दी कोई अपडेट सुनने को मिल सकता है, क्योंकि SRK ने ये खुद ही तो कहा है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। और अगर मेरा काम पसंद आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जल्दी ग्रो कर पाएं। नेक्स्ट एवोल्यूशन किस स्टार का देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बता देना। शाहिद कपूर का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और इमरान हाशमी के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।